Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर गुरुवार से नामांकन का दौर शुरू हुआ। 28 अक्टूबर को होने वाले पहले चरण के चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई। इसके साथ ही प्रत्याशियों ने नामांकन करने का भी सिलसिला शुरू कर दिया। इस कड़ी में छपरा में लालू प्रसाद यादव ने भी अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया है। लालू इस बार छपरा से विधान परिषद चुनाव में किस्मत आजमा रहे हैं। दरअसल हम राजद के सुप्रीमो नहीं बल्कि छपरा के लालू प्रसाद यादव की बात कर रहे हैं। गुरुवार को नामांकन दाखिल करने पहुंचे, सुनकर थोड़ा अजीब जरूर लग रहा है, लेकिन सच्चाई यही है। दरअसल लालू प्रसाद यादव से मिलता जुलता नाम होने के कारण विधान परिषद चुनाव का प्रत्याशी अचानक चर्चा में आ गया। इस प्रत्याशी ने नगर पंचायत से लेकर राष्ट्रपति चुनाव तक में अपना भाग्य आजमा लिया है। ये बात अलग है कि इसे आज तक सफलता नहीं मिली है, लेकिन लालू प्रसाद यादव से मिलता जुलता नाम होने के कारण ये चर्चा में जरूर आ जाते हैं। मढ़ौरा के रहने वाले लालू प्रसाद यादव ने पिछले लोकसभा चुनाव में छपरा सीट से बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूड़ी के खिलाफ भी चुनाव लड़ा था, जिसमें उनको हार का सामना करना पड़ा था। मालूम हो कि देश के कद्दावर राजनेता और राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव फिलहाल चारा घोटाले से जुड़े मामले में सजायाफ्ता हैं और रांची में सजा काट रहे हैं। ऐसे में उनकी अनुपस्थिति में छपरा के ये लालू प्रसाद यादव अपने आप में लोगों के लिए चर्चा का विषय बनते रहे हैं। लोग बताते हैं कि शायद ही ऐसा कोई चुनाव हो जिसमें छपरा वाले लालू प्रसाद यादव अपनी दावेदारी नहीं ठोकते हैं। बिहार के सीट से किसी जमाने में लालू प्रसाद यादव भी सांसद हुआ करते थे।